तो आज हम करेंगे सिंपल पेंडुलम और इसके टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल पेंडुलम आप सभी को पता है ये क्या होता है, एक वायर के साथ किसी भी मास को आप हैंग कर दो वो सिंपल पेंडुलम बन जाता है, ठीक है। तो एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉइंट मास बॉडी, एक हैवी बॉडी सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड स्पोर्ट अबाउट विच इट इज फ्री टू ऑसिलेट। हमारी जो एक आइडियल सिंपल पेंडुलम का हम जो वायर लेते हैं, जो रोप लेती है, उसका मास हम क्या लेते हैं, इग्नोर करते हैं, है ही नहीं मास, ठीक है। फिर वो जो वायर है वो इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, एक तो वेट बिल्कुल नहीं है, एक इनएक्सटेंसिबल मतलब वो खींची नहीं जाएगी, ठीक है, वैसी की वैसी रहेगी। रिजिड स्पोर्ट के साथ टांगी हुई है, मतलब यहां पर इसको क्लैंप किया गया, ठीक है, और वो फ्री टू ऑसिलेट है। अब एक चीज पहले तो आपने याद रखनी है, ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, ये स्मॉल एंगल ऑफ ऑसिलेशन पे ही SHM को फॉलो करता है, पहली कंडीशन, छोटे एंगल में ही ये क्या करता है, SHM को ओबे करता है। तो जब आप क्लास में प्रैक्टिकल करते हो तो इसको छोटे एंगल से ही टीचर बोलते हैं ना छोड़ना, छोटे एंगल पे करना है, बड़े एंगल से नहीं करते, तो ये चीज ध्यान रखना, थीटा शुड बी वेरी स्मॉल, ये पहली कंडीशन, ठीक है। अब देखो जब यहां से ये बॉडी जो है इसको रिलीज किया, जो ये किधर आएगा, इस तरफ आएगा, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है चेक करिए, इधर ऊपर की तरफ क्या लगेगी, टेंशन, नीचे क्या लगेगा, बिल्कुल नीचे की तरफ mg वेग, ये होगा, ये ऐसे आएगा ना इस तरफ, यहां से लेके यहां तक मान लो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, छोटा एंगल है बच्चों, अगर छोटा एंगल है तो ये आर्क ऑलमोस्ट क्या होगी, सीधी होगी ना, ऑलमोस्ट ट्रायंगल की तरह सीधी होगी, अगर यहां से यहां ही गया है तो दिस इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं मानेंगे, इसलिए इसको मैंने क्या मान लिया यहां पे x, कि ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, समझ लगी ये बात। उसके बाद देखो मैंने यहां पे इस वेट को रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, एक इधर और एक परपेंडिकुलर इस तरफ, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, बिल्कुल सीधी ऐसे, ये नीचे की तरफ है, अगर ये एंगल थीटा है, देखो दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइन और ये एक लाइन इनको सीधे ऐसे जा रही है, तो ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, कौन सा एंगल हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, समझ लगी ये चीज। एमजी का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, एमजी कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, एमजी साइन। तो मुझे अब ये बताओ जब कोई भी बॉडी SHM में होती है तो उस पर कौन सी फोर्स लगती है, रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसको दोबारा से कहां लेके आती है, मेन पोजीशन पे। तो इस पेंडुलम को कौन सी फोर्स दोबारा मेन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है, mg sin थीटा। तो इस केस में हमारी जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स वो क्या है, mg sin थीटा, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है तो आगे क्या डाल दिया हमने, माइनस, इज इट क्लियर, समझ लग गया ये चीज, ठीक है। उसके बाद हम ये मानेंगे कि जो एंगल है वो बहुत ही क्या है, स्मॉल, ठीक है, एंगल ऑफ ऑसिलेशन इज स्मॉल, तो उस केस में बच्चों साइन थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो, थीटा, व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल इन दैट केस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली थीटा के। आप देखो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, अगर आप साइन 0.01 की वैल्यू निकालोगे वो भी इतनी होती है 0.01 के ऊपर, तो जितना थीटा उतने अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, वैल्यू साइन की। तो हम साइन थीटा को रिप्लेस मार देंगे किसके साथ, थीटा के साथ, तो हमारी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल आ गई, माइनस mg थीटा, इज इट क्लियर। उसके बाद देखो ये आर्क है बच्चों, आर्क की लेंथ कितनी है, एक्स, ये आर्क किसकी बनी है, एक सर्कल की, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, जितनी ये स्ट्रिंग की क्या होगी, लेंथ, एक अगर सिंपल पेंडुलम को जोर से घुमा दोगे तो सर्कल बनना शुरू हो जाएगा, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, जितने ये सिंपल पेंडुलम की स्ट्रिंग की क्या है, लेंथ है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एल। अब यहां पे देखो ये एल है, ये एक्स आपने फाइंड करना है, ये थीटा है, आपने पढ़ा है ना लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला, बोलिए, शाबाश नॉन मेडिकल के बच्चे, क्या बोल रहा है ये थीटा बाय 260, मैं बोल रहा हूँ थीटा एल और आर के बीच का रिलेशन ही बड़ा, थीटा बाय 360 एल बाय आर,
थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो लेंथ ऑफ आर्क इज आर इंटू थीटा। यहां पे थीटा की जगह आप क्या आ जाएगा, सुन लीजिए, थीटा की जगह क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस। ठीक है, तो लेंथ कितनी है आर्क की, यहां से लेके यहां तक कितना बोला हमने x, और रेडियस कितना है, जितनी क्या है हमारी लेंथ l, तो थीटा की जगह क्या आ गया x बाय l, तो यहां पे f इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाय l। समझ लगी ये चीज। उसके बाद फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पे मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस एम जी एक्स बाय एल, ये m से m कैंसिल, a इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल एक्स। एस एच एम में क्या कंडीशन होती थी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ये शो कर रहा है वो चीज, बिल्कुल कर रहा है, जी कॉन्स्टेंट है, L कांस्टेंट है ना, तो यहां से देखो A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई माइनस ऑफ X, इसका मतलब सिंपल पेंडुलम शोज SHM, तो यहां पे लिखेंगे दिस शोज ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम शोज SHM, इज इट क्लियर। अब अगर आपको याद हो हम उसके बाद क्या करते थे, एक्सेलरेशन में जो कांस्टेंट होता था उसको हम क्या लिख देते थे, ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही होता था ना, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कांस्टेंट होता था उसको ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख देते थे। अब कंपैरिजन करो तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, जी बाय एल। इस केस से पता चला कि ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, जी बाय एल, जो पीछे किसके इक्वल था, k बाय m के, ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास, ओमेगा कितना आ गया यहां से रूट जी बाय l, ओमेगा से आगे क्या निकल जाएगा, टाइम पीरियड, तो बच्चों ओमेगा आ गया आपका रूट जी बाय l, ओमेगा को लिख दे 2 पाई बाय कैपिटल t इज इक्वल टू रूट जी बाय l, यहां से t कितना आ गया, यहां से t आ गया 2 पाई, ये इधर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यह बन गया रूट एल बाय जी। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से अपने मन में बसा लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने न्यूमेरिकल आते हैं ना इस फॉर्मूले के बेस पे, अच्छे से याद कर लेना, ऊपर एल है और नीचे क्या है जी, तो टू पाई रूट एल बाय जी, टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रही है और जी पे डिपेंड कर रही है, इज इट क्लियर। जल्दी नोट करिए, फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। तो नेक्स्ट देखिए फैक्टर्स की बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर एम्पलीट्यूड, क्या एम्पलीट्यूड बदलने से टाइम पीरियड बदलेगा, मतलब एक पेंडुलम को आपने यहां से छोड़ा, एक को थोड़ा ऊपर से छोड़ा, तो क्या उसका टाइम पीरियड बदल जाएगा, अगर लेंथ भी सेम है नहीं बदलेगा, क्योंकि क्या फॉर्मूले में एम्पलीट्यूड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, इसमें तो डिपेंड करता ही नहीं, इंडिपेंडेंट है। फिर बात करते हैं मास ऑफ बॉब, क्या बॉब के मास पे डिपेंड करेगा, एक हल्का एक भारी है, करेगा, क्या फॉर्मूले में मास आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या करेगा, बेवकूफ बना दिया तुझे, नहीं करेगा। तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये याद रखना, क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक होलो सफेयर है जी और एक सॉलिड सफेयर सेम रेडियस के, तो बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, लेंथ भी सेम बोल दी, होलो हो चाहे सॉलिड हो, मास के डिफरेंस आता है होलो और सॉलिड में, रेडियस मैंने सेम बोले, ठीक है, तो क्या होएगा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि लेंथ क्या है सेम, क्लियर हुआ ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव में सीधे क्वेश्चंस आते हैं इसके, जी के इफेक्ट पे। अब इसके लिए ना फॉर्मूले को आपने ऐसे याद रखना है, टाइम पीरियड इज टू पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव, कि उस सिनेरियो में जी की इफेक्टिव वैल्यू क्या है, जिसमें सबसे पहला सिनेरियो आएगा आपका लिफ्ट प्रॉब्लम। देखो इसके न्यूमेरिकल ना सिंपल आते हैं, बस न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट करनी है, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे, या आपको सारे फॉर्मुलेस रिवाइज करवाऊंगा। तो देखो जब लिफ्ट प्रॉब्लम की बात करें, हम ये पीछे करके आए हैं लिफ्ट प्रॉब्लम, याद ना एलिवेटर में अपरेंट वेट ऑफ मैन ना लिफ्ट वाला, नहीं याद तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो आज तो देखो, अगर लिफ्ट में एक पेंडुलम है, ठीक है,
ये ऑसिलेट कर रहा है जी, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है ये एक्सेलरेशन से, या लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है ये एक्सेलरेशन से। तो आपको याद होना चाहिए कि इस केस में वेट या तो बढ़ जाता था या क्या हो जाता था, कम हो जाता था। वेट किस पे डिपेंड करता है? जी पे, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही है, मास तो चाहे ऊपर जाओ नीचे जाओ सेम ही रहेगा। जी के चेंज होने से क्या हो जाता था? वेट कम या ज्यादा। तो इस केस में जो जी इफेक्टिव होगी, या तो वो होगा जी प्लस ए या होगा वो माइनस ए। इज इट क्लियर? अब अगर आपकी लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारा जी इफेक्टिव क्या होता है? जी प्लस ए, ऊपर की तरफ जाएगा। क्वेश्चन कभी भी ऐसा है ना कि लिफ्ट ऊपर जा रही है जी एक्सेलरेट होके, तो आपने यहां पे जी इफेक्टिव की जगह क्या पुट कर देना है? जी प्लस ए, ए इज एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। उसके बाद अगर बोला लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, तो क्या आएगा फिर? जी इफेक्टिव इज जी माइनस ए। फिर थर्ड केस हमने क्या पढ़ा था इसका? फ्री फॉल। फ्री फॉल में एक इसके इक्वल हो जाता है जी के, तो जी इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा? जी माइनस ए, मतलब जी माइनस जी दैट इज जीरो। इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। नीचे जीरो आ गया, इसका मतलब पेंडुलम ऐसे रह जाएगा, बस नीचे आएगा ही नहीं। इनफाइनाइट टाइम का तो मतलब यही कि उसको वापस जाने में बहुत टाइम लग रहा है, वो जाएगा ही नहीं, वहीं का वहीं रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बोला कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जा रही है, फिर क्या आएगा? ए जीरो, तो जी इफेक्टिव किसके इक्वल हो जाएगी? जी के। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई, तो आपका जी इफेक्टिव किसके इक्वल आ गया? जी। और रुकी हुई लिफ्ट, फिर भी जी इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा? जी। तो ये पांच केसेस में से पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, कल करेंगे न्यूमेरिकल, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, नोट करिए। अब सेकेंड केस में मैं निकला गड्डी लेके, अभी मोड़ नहीं आया, अभी सीधे जा, ठीक है। ये ट्रक एक्सेलरेट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन है इसकी, इसमें एक पेंडुलम है, पेंडुलम एक्सेलरेट करेगा। अब आपको याद होगा सिडो फोर्स का कंसेप्ट करवाया था, जिसको नहीं याद डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़ो, ठीक है। सिडो फोर्स का कंसेप्ट क्या था? सुन लो, सिडो फोर्स का कंसेप्ट ये था कि अगर ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस बोब को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसको इस तरफ फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी? सिडो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, कितनी ट्रक की एक्सेलरेशन, मतलब इस तरफ कितनी एक्सेलरेशन है? ए, और नीचे की तरफ क्या लगेगी? जी। तो इफेक्टिव जी इस केस में क्या होता है? देखो मास को भूल जाओ, इधर इफेक्टिव एक्सेलरेशन ए है, इधर इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी है? जी। इधर ए एक्सेलरेशन है और इधर क्या है? जी। इफेक्टिव कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट इनका वो जी इफेक्टिव होगा। अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? आपको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब जी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, प्लस 2ab cos, कितना एंगल है दोनों में, ए और जी में? 90, cos 90 जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो कितना आंसर आ गया? रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जी इफेक्टिव आ गया। टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, 2 बाय रूट एल बाय जी इफेक्टिव, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा? इस केस में कम हो जाएगा, जी इफेक्टिव बढ़ गई ना, रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी से ज्यादा आएगी, तो इस केस में क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, ट्रक जो है, या हम ट्रक बोले या ट्रॉली बोल दो इसको, ये ट्रॉली यहां से क्या हुई है? रिलीज हुई है, कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ क्या हुई है? रिलीज हुई है। इस केस में जी इफेक्टिव क्या रहेगी? देखो आपको पता होगा इसका वेट नीचे आता है इस तरफ, एक फोर्स इधर लग जाता है कॉम्पोनेंट, अगर ये थीटा है तो रिजॉल्व होता था ना, इधर थीटा, इधर mg, और इधर क्या हो जाता था? mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा। इस केस में g इफेक्टिव क्या है? इस केस में g इफेक्टिव होता है बच्चों g cos थीटा, ये वाला जो इफेक्टिव g लग रही है नीचे की तरफ, इस केस में g cos थीटा, ये याद रखना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि वेज से बॉडी जो है रिलीज हो गई नीचे की तरफ, उसमें सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड निकालो, तो आपने जी इफेक्टिव क्या लिख देना है? जी कॉस थीटा, सिंपल सी चीज, क्लियर? फटाफट नोट करिए। अब देखो इफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज नीड टू ऑसिलेट इन सम फ्लूइड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, अब आपने सिंपल पेंडुलम को पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर ऑसिलेट करवा रहे हो,
उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है सिग्मा, हमारे बॉब की डेंसिटी कितनी है रो, और रो जो है वो सिग्मा से क्या है ज्यादा, मतलब बॉब की डेंसिटी सिग्मा से क्या है लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा। अब आप लोग मुझे ये बताओ, जब कोई बॉडी लिक्विड के अंदर होती है तो उसका वेट कम हो जाता है या ज्यादा? जब कोई बॉडी लिक्विड के अंदर होगी कम हो जाती है। जब हम स्विमिंग पूल के अंदर, यही बेचारा स्विमिंग पूल नहीं ना गया अभी तक, इसको पता ही नहीं है पानी के अंदर बॉडी लाइट नहीं हो जाती, कि पहली लाइट है इसको भी नहीं पता होगा। पानी के अंदर बॉडी लाइट हो जाती है ना, क्यों? क्योंकि उसका वेट क्या हो जाता है कम। वेट कम होने का मतलब इफेक्टिव जी क्या हो गई कम। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो इफेक्टिव जी है इस केस में वो क्या होती है, जी वन माइनस सिग्मा बाय रो। मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि कॉम्पिटेटिव में आने हैं, स्कूल में पता नहीं डाले या ना डाले, इसकी डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, समझ लगी ये चीज? तो ये जी इफेक्टिव है। अब क्यों वेट कम हो जाता है बताना मुझे, फ्लूइड पढ़ के आए हो आप लोग, जी क्यों कम हो जाता है, वेट क्यों कम हो जाता है बॉडी का? क्योंकि उस पे ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगती है, अप थ्रस्ट, बियोंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ के लिए आए, तो उस पे बॉडी पे ऊपर की तरफ बियोंसी लगती है, अप थ्रस्ट लगती है, इसलिए कम हो जाता है। तो आप ये याद रखना बच्चों, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आया लिक्विड वाला तो जी इफेक्टिव ये बन जाएगी और जी कम हो जाती है, इसलिए देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट एल बाय जी इफेक्टिव, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि जी इफेक्टिव क्या हो जाती है कम हो जाती है। क्लियर हो गया है चीज, नोट करिए। अब उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जी में ही है, इफेक्ट ऑफ हाइट एंड डेप्थ। ग्रेविटेशन में पढ़ के आए हो, हाइट पे जाने से जी की वैल्यू कम हो जाती है, डेप्थ में जाने से जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो उस केस में अगर आप हाइट में जा रहे हो तो जी हाइट पे क्या हो जाती है, जी वन माइनस टू एच बाय आर। ये फॉर्मूला कब लगता है, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। जब आप हाइट में चले गए ना तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जो जी आता है उसमें जी कौन सी लोगे, हाइट वाली, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर हाइट कंपेरेबल है रेडियस के तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होता था, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर हो जाता, ये चीज हो जाती थी। ये फॉर्मूला कम हाइट के लिए, जैसे बोल दे 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर, ये होता था जब बोल दे हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस या आर बाय थ्री, या बोल दे 1200 किलोमीटर, ज्यादा होती थी जब 100 से लेस है हाइट रेडियस, मतलब 100 से लेस बोल लिया अगर 100 किलोमीटर या 90-80 तब ये फॉर्मूला कम हो जाती है। ये तो पता ही आपको, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड जी के क्या है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जी जो है वो कम हो जाती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। वही बात करें डेप्थ की, तो डेप्थ के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जी डी इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाय आर। तो यहाँ पे भी जी कम हो जाती है टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, सेंटर पे जी की वैल्यू जीरो, तो टाइम पीरियड कितना हो गया इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, नोट कर। टेक्स फैक्टर है लेंथ, क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला, टी जो है लेंथ के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव में आता है, ये एक लड़की या लड़का जो भी आपको लग रहा है, ये स्विंग में बैठी है या बैठा है, पहले बैठी थी ठीक है, स्विंग हो रही है ठीक है, उसके बाद ये लड़की जो है वो खड़ी हो गई। आपसे पूछा जाएगा किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किस केस में टाइम पीरियड ज्यादा होगा। टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब स्विंग धीरे धीरे आएगी तभी टाइम ज्यादा लगेगा, और किस केस में स्विंग जल्दी जल्दी आएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा कम। अब बताओ मुझे, बैठने और खड़े होने से ऐसा क्या हो गया कि टाइम पीरियड ही बदल गया? देखो ध्यान से सुनना, जब हम एक नॉर्मल सिंपल पेंडुलम लेते हैं ना बच्चों, तो लेंथ ली जाती है उसके सेंटर तक की, इसमें लेंथ जो है आप सेंटर तक की लेते हो, यहां से सेंटर ऑफ मास तक, कहां से अटैच किया नीचे सेंटर ऑफ मास तक, वो होती है लेंथ। एक्चुअल में रस्सी की लेंथ नहीं होती, ये सेंटर ऑफ मास से ऊपर तक की लेंथ है। जब ये लड़की बैठी है ये आ गया सेंटर ऑफ मास, ये आ गई इफेक्टिव लेंथ यहां तक, यहां से लेके यहां तक है ना। अब ये लड़की खड़ी हो गई, सेंटर ऑफ मास यहां आ गया यहां पे दिस, अब लेंथ होगी ये वाली,
तो पहले केस में लेंथ ज्यादा है, दूसरे केस में लेंथ क्या हो गई? कम। लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस केस में? कम। और इस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, इसमें आपने यही लिखना है कि जब लड़की खड़ी हो गई तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे इफेक्टिव लेंथ ऑफ वायर क्या हो गई? कम हो गई। और वायर की लेंथ अगर कम हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर हो गया ये चीज? नोट कर। फिर वो लड़की भारी हुई जो पीछे जुड़े हुए क्या बस किसी में पर्सनल कमेंट। अगर कोई लड़की भारी हुई टॉपिक कर लिए ठीक है, तो वो रस्सी की लेंथ बढ़ भी तो सकती है, जो रस्सी पे वो बैठी थी जो झूले पे उसकी लेंथ बढ़ सकती है ना। क्यों बढ़ी? ड्यू टू कौन सी प्रॉपर्टी? इलास्टिसिटी। तो उस केस में टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा? देखो ध्यान से, इसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। पहले मान लो इसकी लेंथ एल थी, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? अब डेल्टा एल इंक्रीज आ गया। क्लियर हो गया? तो अब आप फॉर्मूले में 2πL+ΔL/G ये लिखोगे। अब डेल्टा एल कैसे निकलेगा देखिए, तो अब हमने डेल्टा एल निकालना। मान लो इसका यंग मॉडुलस आपको गिवन है भाई। अब यंग मॉडुलस किसको किसके इक्वल होता है पता होगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या थी? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या थी? डेल्टा एल बाय एल, जिसको आप लिखते थे फोर्स बाय एरिया इंटू एल बाय डेल्टा एल। फोर्स किसके इक्वल होगी? ये क्यों नीचे की तरफ आई? जितना है नीचे क्या लग रहा होगा? वेट। तो नीचे लगा वेट एमजी। मान लो रस्सी अपने आप अपने वेट के कारण खिंच गई ठीक है, तो वेट कितना लगा? एमजी। तो फोर्स की जगह क्या आ गया? एमजी बाय ए इंटू एल बाय डेल्टा एल। यहाँ पे क्या आ गया भाई? ओरिजिनल लेंथ हमारी एल है, चेंज इन लेंथ कैपिटल डेल्टा एल है ना, तो यहाँ पे कैपिटल कैपिटल कर दो। यहाँ से डेल्टा एल कितना आ गया? एम जी कैपिटल एल ए बाय, ये वैल्यू आप यहां पुट करना ठीक है, उससे आपको डेल्टा एल मिल जाएगा। डेल्टा एल प्लस करने से टोटल एल मिल गया, उससे क्या निकल गया? टाइम पीरियड। लेंथ बढ़ी है तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया? बढ़ेगा। क्लियर होगी ये चीज? नोट करिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? आप लोग थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हो, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ में क्या आता है? एक्सपैंड। क्या बोलते थे उसको? लीनियर एक्सपेंशन। तो टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ एक्सपैंड हो जाएगी ठीक है। मान लो पहले लेंथ इतनी थी एल, ये बन गई अब इंक्रीज होकर कितनी होगी? डेल्टा एल। अब अगर जिसको वो फॉर्मूला याद है कि भी डेल्टा एल या फाइनल लेंथ कैसे निकालते, क्या फॉर्मूला था फाइनल लेंथ का? अगर इनिशियल लेंथ एल नॉट है, फाइनल लेंथ एल है, तो फॉर्मूला था एल नॉट 1+α(δt), वेर अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर हो गया? तो पुराना टाइम पीरियड अगर देखें, पुराना टाइम पीरियड होगा 2πL0g। नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 2πL0 1+α(δt)/g। ये हो जाएगा ना? यहां से देखो, 2πL0g और √1+α(δt) अलग अलग कर दिए मैंने, ये किसके इक्वल आ गया? पुराने टाइम पीरियड के इक्वल आ गया। यहां पे लिख दू पुराना टाइम पीरियड, ये नया टाइम पीरियड t', ये पुराना टाइम पीरियड t लिख दिया हमने ठीक है। साथ में ये क्या आ गया? 1+α(δt)-1/2 रूट है ना। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दे, ये हाफ आगे आ जाएगा क्योंकि अल्फा स्मॉल है, इसलिए अगली टर्म्स को क्या कर देते थे? नेगलेक्ट। तो ये अल्फा आगे आ गया, t'(t)(1+1/2α(δt)। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए, ये t' = ये t अंदर मल्टीप्लाई t+1/2t(α(δt)। उसके बाद ये t'-t = ½α(δt)(t). ये t नीचे डिवाइड हो गया, t'-t/t = ½α(δt)। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, t'-t/t(100) = ½α(δt)/100। ये बन गया 50। दिस इज व्हाट? दिस इज परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू
50 अल्फा डेल्टा टी परसेंट। तो आपको ये बच्चों डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि बताओ कितना टाइम में चेंज आएगा टाइम पीरियड में। तो आपने सीधा इसमें वैल्यू पुट करनी है, और अगर आपने उसने आपसे फाइनल टाइम पीरियड पूछा तो आपको पता है कि फाइनल टाइम पीरियड के लिए यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। अगर सब कुछ गिवन होगा यहां से क्या निकल जाएगी वैल्यू, तो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। अगर उसने फाइनल टाइम पीरियड पूछा यहां वैल्यू पुट कर देना, और अगर उसने पूछा परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड तो यहां पे वैल्यू पुट कर। क्लियर हो गया ये चीज?